अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैट से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर बॉल वॉमिट किस वजह से होती है कैट में और किस तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लॉन्ग हेयर कैट्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो चलें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अपनी कैट को बचा सकते हैं हम हेयर बॉल वॉमिट से। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चल शोफी यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठो। इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेयर बॉल होता क्या है। जब आपकी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी ग्रूमिंग करती है तो कुछ हेयर्स जो होते हैं वो लीक करती है तो उसके स्टमक में चले जाते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि स्टमक में हेयर की डाइजेशन नहीं होती जिसकी वजह से कैट जो है वो वॉमिट कर देती है। और जो फर्स्ट टाइम कैट ऑनर होते हैं वो जब ये देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लॉन्ग हेयर कैट्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। चलें अब हम बात करते हैं किस तरह से हमारा पेट जो है वो इस प्रॉब्लम से बच सकता है। तो इसके लिए हमें डेली ग्रूमिंग करनी चाहिए अपने पेट की, उसको डेली ब्रश करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो लॉन्ग हेयर कैट्स होती हैं उनको डेली ब्रश करें और हर 6 माह बाद उनके हेयर जो हैं वो कट करवा दें ताकि ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल कम हो जाए। और चलें अब हम डिस्कस करते हैं कि कैट कौन कौन से साइन और सिम्टम शो करती है अगर उसमें हेयर बॉल प्रॉब्लम हो जाए। इसमें कैट क्या करती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसको डायरिया लग जाता है, उसके अलावा जो है वो लैक ऑफ एपेटाइट मतलब उसकी भूख जो है वो कम हो जाती है। और उसके अलावा कैट जो है वो वॉमिट करने लगती है और बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल और डिप्रेस हो जाती है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कैट जो है वो अपने हेयर को जैसे लीक कर लेती है या उसके स्टमक में चले जाते हैं तो इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जी हाँ, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी कैट के इंटेस्टाइन में जाके जो हेयर बॉल है या हेयर जो है वो स्टक हो जाते हैं तो उसके लिए आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। और इसके अलावा आपको अपनी कैट को फाइबर डाइट देनी चाहिए। स्पेशलाइज्ड हेयर बॉल फार्मूला कैट फूड अवेलेबल है मार्केट में डिफरेंट, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। क्योंकि फ़ाइबर जो होता है इससे कैट की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, उसका हेयर कोर्स जो है वो भी अच्छा होता है और हेयर शेडिंग मतलब जो हेयर गिर रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और हेयर बॉल जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए जो है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर दें ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग ये भी जानते हैं वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जैसा कि गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई और आलू, ये आप अपनी कैट को ऐड करके दे सकते हैं फूड के अंदर। फूड चेंज, अगर आप अपनी कैट की फूड चेंज करते हैं बार बार और उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये लैक्सेटिव के तौर पे काम करते हैं। और इसके अलावा आपकी कैट की जो स्किन होती है और उसकी ग्रोथ और उसकी फर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसलिए जब भी आप अपनी कैट को फूड दे रहे हैं, कोई भी मार्केट से लेके दे रहे हैं, तो आप ख्याल रखें कि उसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होना चाहिए। और इसके अलावा मार्केट में कुछ ऐसे लैक्सेटिव अवेलेबल हैं जो कि आप अपने पेट को दे सकते हैं। इससे हेयर बॉल जो है वो रिमूव हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए, जिसमें आप जो है कैस्टर ऑयल भी दे सकते हैं अपनी कैट को। और जब आप अपनी कैट की फीड बार बार चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, कॉन्टीन्यूस वॉमिट मतलब बार बार आपकी कैट जो है वो वॉमिट करती है। तो कभी भी अपनी कैट की फूड जो है वो एकदम से चेंज नहीं करें। जब भी कोई फूड चेंज करें तो उसको थोड़ा थोड़ा करके चेंज करें, मतलब जो फूड पहले दे रहे हैं उसके अंदर आप नई फूड को मिक्स करके अपनी कैट को दें। चलें अब हम बात करते हैं किस तरह से आप अपनी कैट को दूर रख सकते हैं कि वो अपनी ग्रूमिंग नहीं करे। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी कैट को टॉयज़ देने चाहिए। मार्केट में डिफरेंट ऐसे टॉयज़ हैं जो कि कैट्स के लिए बनाए गए हैं, जिसमें कैट निप्स भी हैं, बॉल्स भी हैं, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी कैट को दे सकते हैं। और आपकी कैट जो है वो उनसे खेलेगी तो उसका जो ग्रूमिंग की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और आप अपने पेट को ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब एनिमल को हम टाइम नहीं देते तो वो स्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है और उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। आज हमने डिस्कस किया कि कैट में हेयर बॉल वॉमिट किस तरह से होती है और क्यों होती है और किस तरह से हम अपनी कैट को इससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कैट में स्टड टेल किस वजह से होता है, जो उसकी टेल जो होती है वो ग्रीसी हो जाती है, येलो होना शुरू हो जाती है, तो किस वजह से होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।